तीन सूत्री मांगों को लेकर किसानों का धरना पांचवें दिन भी जारी। खबर यूपी के बहराइच से सामने आ रही है। तीन सूत्री मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन घाघरा घाट पर पांचवें दिन भी जारी है। किसान अपने फसलों के छुट्टा जानवरों से सुरक्षा, भारी बारिश और जलभराव के कारण क्षेत्र के किसानों की नष्ट हुई फसलों और अत्यधिक जलभराव से आलू, गेहूं, मटर, सरसों, मसूर समेत अन्य फसलों की बुवाई न होने पर दोनों फसलों का मुआवजा देने, खेतों में जलभराव न हो इसके लिए नाला और एलिगन चरसडी बांध पर साइफर निर्माण करने, लखनऊ गोंडा गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन चलाने और लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव घाघरा घाट रेलवे स्टेशन पर करने की मांग प्रमुख रूप से की गई है। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष जोगिंदर पहलवान, रामजस यादव, राम सिंह वर्मा, राजा राम गौड़ आदि कई लोग उपस्थित रहे। जिला उपाध्यक्ष रंजना चौहान, यहाँ जिला महासचिव, प्रदेश सचिव के नेतृत्व में, यहाँ ओम प्रकाश भैया के नेतृत्व में चल रहा है, उसी में हम धरना प्रदर्शन आई हुई हैं। हमारी सबसे पहले मांग है जो इंटरसिटी गाड़ी का स्टॉपिंग खत्म कर दी है, फिर दूसरा है पैसेंजर गाड़ी लखनऊ गोंडा से चलकर लखनऊ जाए वाली, वो भी बंद कर दी है कोरोना काल में, और लवारिस बस आज तक भी नहीं पकड़े गए हैं, जो कि बहुत नुकसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और खेतों में पानी बरसात वाला भर जाए तो उसका कोई शासन प्रशासन का निगामा नहीं है कि किसान मरे या जिंदा रहे। क्या इसी हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी सभी मांग पूरी नहीं हो जा रही तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता है और चलत रही। प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई है? हाँ, हमारी अभी कोई वार्ता नहीं, ना हमारी कोई बात हुई सुनी नहीं कि वहाँ पर धरना चल रहा है, जाके हम जाए सुने बराबर पांचवा दिन है, छठवा दिन कोई शासन प्रशासन कुछ यहाँ पर कुछ एक दिन भी नहीं, एक दिन वीडियो आए हैं, फिर कहा किन कहा नहीं किन, वो जाने उनके काम जाने हैं, जब तक हमारी कोई समस्या सुन नहीं लीजिए तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हम योगिंदर पहलवान मंडल उपाध्यक्ष 10 तारीख यहाँ से धरना पे बैठे हैं। इसके बाद हमारा 3 बजे लेटर पैड पर ज्ञापन दिया गया है प्रदेश सचिव प्रकाश वर्मा के लिए इस डीएम का और वीडियो का, लेकिन कोई साल्फ नहीं भाई समस्या। तब हम लोग यहाँ पे 10 तारीख का बैठे हैं, आज 5 दिन हो गया है, यहाँ पे कोई अधिकारी आया नहीं है, एक दिन नायब साहब आए थे, जितने अधिकारी सब मौन बैठे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी एक नंबर एक की मांग है पहली कि छुट्टा जानवर जो तपे सिपा न्याय पंचायत में है ये सब पकड़ के जाए। 63 गौशाला डीएम साहब बता रहे हैं कि हमारे ज़िला में हैं, बाकी सब हवा हवाई में गौशाला हैं, कोई गौशाला सुनिश्चित हिसाब से चल नहीं रहा है, और रोड पे तमाम गायों का आए दिन घटना हो रही है। और दूसरी मांग हमारी है कि जो पानी का जल भराव हमारे यहाँ होता है बंधक के इस बार, तो नाला या नहर बनाई जाए और कम से कम 2 साइफन बनाए जो नदी के टुटाव में हमारा पानी नदी को जा सके। हमारा किसान बंधा इस बार का मसूरी और मटर और गेहूं की और सब फसल की बुवाई कर सके, ये सब समस्या है। तीसरी हमारी मांग है कि पैसेंजर लखनऊ चलाई जाए, इंटरसिटी आखिरी जिला बॉर्डर है बहराइच का, यहाँ पे इंटरसिटी रुकना चाहिए और लखनऊ पैसेंजर चलाना चाहिए, यही हमारी मांग है।